दरभंगा युवा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने प्रेस रिलीज कर कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत चल रहे सभी निजी वैद्य क्लिनिकों अस्पतालों की सूचना स्वास्थ्य विभाग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत 2 माह पूर्व मांग की गई थी। असैनिक शल्य चिकित्सक स मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन दरभंगा के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई उसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि क्लिनिक स्थापन अधिनियम 2010 के अंतर्गत मात्र 67 क्लिनिक अस्पताल ही दरभंगा जिला के अंतर्गत वैध हैं। इन 67 वैध क्लिनिक अस्पतालों में से भी दरभंगा शर्मा डायग्नोस्टिक सहित 27 का रजिस्ट्रेशन किसी का 2016 में तो किसी का 2019 या 20 में ही समाप्त हो चुका है। बावजूद बिना किसी रोक टोक के ये क्लिनिक अस्पताल धड़ल्ले से गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं एवं मरीजों से मनमाने ढंग से लूट कर अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। दरभंगा जिला के अंतर्गत भ्रमण करके पता लगाया गया कि कौन कौन से क्लिनिक अस्पताल अवैध हैं। दरभंगा सिविल सर्जन के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से जब 123 निजी क्लिनिक अस्पतालों का मिलान किया गया तो हेरिटेज हॉस्पिटल डॉक्टर मीना महासाठ एवं रूही यास्मीन के 3 मेट्रो हॉस्पिटल सहित 123 निजी क्लिनिक अस्पतालों का नाम सूची में नहीं पाया गया। इस सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 123 क्लिनिक अस्पताल पूर्णतः अवैध है, जो दर्जनों वर्षों से भ्रष्ट स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। इन अवैध क्लिनिक अस्पतालों के द्वारा मरीजों से धन उगाही वर्षों से की गई एवं इसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है और न ही इन क्लिनिकों अस्पतालों के द्वारा सरकार को कोई आंकड़ा दी गई। एक एक अवैध क्लिनिकों अस्पतालों की भवनों के मूल्य की बात करें तो यह 5 से 20 करोड़ मूल्य तक का प्रतीत होता है। उक्त क्लिनिकों अस्पतालों के अवैध होने की सूचना केंद्र से लेकर राज्य सरकार एवं प्रतिलिपि दिनांक 12/5/2020 को जिला अधिकारी दरभंगा को भी दी गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हास्यास्पद तो यह रहा कि शिकायत पत्र में आरोपित किए गए सिविल सर्जन दरभंगा को जिलाधिकारी के द्वारा जांच के लिए भेज दिया गया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकता है जब आरोपित किए गए अधिकारी को ही जांच हेतु भेज दिया जाता। तत्पश्चात युवा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने एक आवेदन दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक को दिनांक 17/6/2020 को डाक के माध्यम से भेजकर 126 दरभंगा सिविल सर्जन एवं पूर्व सिविल सर्जन सहित अवैध क्लिनिक अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया, परंतु एक सप्ताह से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मुझे जनहित में न्याय हेतु न्यायपालक का सहारा लेकर दिनांक 26/6/2020 को नालसी दायर करनी पड़ी। उक्त नालसी के दायर होते ही युवा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष इकबाल अंसारी को तरह तरह से मैनेज करने एवं मैनेज नहीं होने की स्थिति में बुरा परिणाम भुगतने की धमकी कई आरोपित क्लिनिक अस्पतालों के संचालकों के द्वारा दी गई। युवा जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक जिला का ये हाल है जिसमें 126 अवैध बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं तो बाकी के जिलों का क्या होगा, यह सोचा जा सकता है। मेरा दावा है कि अगर सही से जांच हो तो इस तरह के अवैध क्लिनिक अस्पतालों की संख्या 500,000 के बीच होगी। बिहार में पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास रहा है, मगर इस दिशा में कोई पहल नहीं होना इस बात का घातक है कि बीजेपी इस बड़े स्कैम के गंगा में डुबकी लगाती रही। बीजेपी इन अवैध क्लिनिकों अस्पताल से करोड़ों करोड़ का चंदा प्राप्त करके पार्टी के दुष्प्रचार में खर्च करती है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि तुरंत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और मंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके संपत्तियों की जांच कराए। मुख्यमंत्री हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, अगर उनमें वास्तव में नैतिकता है तो इस महाघोटाले का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे और जनता से अपने असफल नेतृत्व के लिए माफी मांगे। आज आप लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ किस विषय पे? देखिए, आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है।
बिहार जिस चीज़ के लिए पिछड़ा जाना जाता है उसमें से एक स्वास्थ्य विभाग भी है। स्वास्थ्य विभाग बिहार से मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना की मांग की थी कि आप मुझे बताइए दरभंगा ज़िला के अंतर्गत कितने जो लीगल हॉस्पिटल्स हैं वो चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन दरभंगा के द्वारा जो मुझे सूची उपलब्ध कराई गई वो मात्र 67 हॉस्पिटल हैं। उन 67 हॉस्पिटलों में 27 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आपका 2018 से 2017 2019 में समाप्त हो चुका है, जिसमें बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक शर्मा डायग्नोसिस है और मिथिलेश झा क्लिनिक वगैरह है, ये सारे का 2018 2016 2017 में समाप्त हो चुका है। मैंने जब आकलन किया पूरे दरभंगा ज़िला के अंतर्गत तो मैंने पाया कि 123 हॉस्पिटल्स इलीगल तरीके से रन कर रहे हैं, जिसका नाम सिविल सर्जन के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में नहीं है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उस एक एक हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स की कीमत अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक की एक एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। मैंने चूँकि जो दरभंगा ज़िला के अंतर्गत सिविल सर्जन होते हैं वो हॉस्पिटल्स को का कमांड करते हैं, वो देख रेख करते हैं, तो मेरे द्वारा एक मुकदमा दर्ज की गई है आदरणीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा के समक्ष, जिसमें आरोपी किया गया है श्री संजीव कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन दरभंगा श्री अमरेंद्र नारायण झा, पूर्व सिविल सर्जन दरभंगा मुजीबुर रहमान, ARLO सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा, और बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है डॉक्टर रूही यास्मीन, डॉक्टर सलीम अहमद मेट्रो हॉस्पिटल, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी, अल हिलाल हॉस्पिटल, बीवी पाकर, कुल मिलाकर के 126 हॉस्पिटल्स को पर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये देख सकते हैं। और मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि नीतीश कुमार जी, आप श्री मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको अविलंब बर्खास्त करें और उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जब एक जिला में 126 हॉस्पिटल्स इलीगल रन कर रहे हैं तो पूर्ण बिहार का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि उनकी असफलताओं को देखते हुए उनको तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। यहाँ की जनता, यहाँ का मरीज को लूटने के लिए इस तरह के इलीगल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जिसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इन लोगों पर 400BC का मुकदमा, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जितनी भी धाराएं हैं उनके अंतर्गत 367, 366, 368, 120B के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कायम की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर मुझे इस संदर्भ में न्याय मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग में जो कैंसर के तरह ये इस तरह के अस्पताल फैल चुके हैं इस पर गवर्नमेंट कमांड करना शुरू करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसका इस तरह से है, हमारे पास 4-5 कॉपियाँ हैं जो अनलीगल हॉस्पिटल चल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तक है नहीं।